रत्नभंडार खोलिबा मामलारे हाइकोर्टंक हस्तक्षेप। रत्नभंडार खोलिबा पई हाई पावर कमिटी गठन करबा को निर्देश। भंडार खोलिबा को काहेकि डरुछंती राज्य सरकार। ब्रह्म विभ्राट रु नै नीति विभ्राट। बीजेडी सरकार जगन्नाथ और सनातन विरोधी आभिमुख्य। संपूर्ण विपद संकुल अवस्था रत्नभंडार छात मरामती नहले भुसुड़ी जीवार भय। पूर्व एएसआई पक्षर एमती रिपोर्ट दिजा सत्वे रत्नभंडार खोलिबा को राजी होनथिले ओडिशा सरकार। एबे ही मामलें दृढ़ हस्तक्षेप करिछंती हाइकोर्ट। राज्य सरकार को निर्देश देछंती रत्नभंडार खोलिबा पई एक हाईपावर कमिटी गठन कर। श्रीमंदिर परिचालना कमिटर आवेदन पर दुई मास मध्यरे रत्नभंडार भितर विभिन्न अलंकार आदि जांच पई हाईपावर कमिटी गठन करने को हाइकोर्ट निर्देश देछंती। रत्नभंडार खोलिबा नै बीजेपी पूर्वतन राज्य सभापति समीर महांती पक्षर आगत जनस्वार्थ मामलार शुणाणी कर एक गुरुत्वपूर्ण राय देछंती हाइकोर्ट। रत्नभंडार जो चाबी एमाने ताकु हजी हजी जाइछि बेली दाबी कले। हजी जिबा परे डुप्लिकेट चाबी कथा उपाख्यान पुणी उठिला। वर्तमान हाइकोर्ट स्पष्ट कले जे श्री जगन्नाथंकर रत्नभंडारर सुरक्षा एवं तार निरापत्ता को आखि आगे रखी श्रीमंदिर प्रशासन कमिटी जो रेकमेंडेशन हाइकोर्ट जो सरकार को करिवे सरकार तुरंत दि मास भितरे ता उपरे निष्पत्ति नेबे। एमाने सरकार को एटा आज्ञा गोटे शक्त चापुड़ा। एमाने जगन्नाथ प्रेमी मानकर भावाबेग सहित खेलुथिले। 4.5 कोटी ओडियांकर भावाबेग सहित सरकार खेली आसुछंती 5 वर्ष हब। ये होची जगन्नाथ तत्वर विजय, सनातन धर्मर विजय, जगन्नाथ प्रेमींकर विजय, 4.5 कोटी ओडियांकर विजय। सरकार बारंबार रत्नभंडार मंदिर सुरक्षा एवं रत्नभंडार इनभेन्टरी करने लुचकाले खेल खेलुले। एक तो रत्नभंडार सुरक्षा बाबदे आर्कोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बारंबार कहते एवं कोटि कोटि भक्त मान मन भितर संशय अच्छी ये रत्न सुरक्षित अच्छी तो से सबूर आज अंत घटी। ये कोटि कोटि भक्त मान एक बृहत विजय बोली मुझे कह। रत्नभंडार असुरक्षित जाणी भी खोलिबा नै काहेकि टालटुल नीति अवलंबन करुथिले सरकार। अभियोग हेउछि एहा पछरे रहिछि बीजेडी सरकारक जगन्नाथ और सनातन विरोधी आभिमुख्य। केवल रत्नभंडार नुहे ब्रह्म विभ्राट रु नै नीति विभ्राट। श्रीमंदिर और श्रीजगन्नाथक सह जड़ित विभिन्न प्रसंगे विवाद रही आसी ओडिशा सरकारक भूमिका। बारंबार सामना को आसी सरकारक परिचालनागत त्रुटि और खामख्याल मनोभाव। ब्रह्म विभ्राट 2015 नवकलेवर समय ब्रह्म परिवर्तन समय होता घोर विभ्राट। सामना को आसी राज्य सरकार चरम अवहेला और पारगता। रथयात्रा बंद निष्पत्ति कोरोना समय बाहना कर रथयात्रा बंद करने को चाहूंगे राज्य सरकार, किंतु कोर्टों निर्देश पर सुरखुरी रथयात्रा है। चारिद्वार खोलिबा प्रसंग श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा प्रसंगे भी कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी को भुआ बुलाउछंती सरकार। एबे केवल सिंहद्वार दे श्रीमंदिर को प्रवेश करुछंती भक्त। चारिद्वार खोलिबा विभिन्न महलर दाबी सत्वे निज जिद्रे अटल रही सरकार। नीति विभ्राट श्रीमंदिर नीति विभ्राट जमी पलटि जा एक सरकारी नीति नियमित होना बनकलागी। प्राय 4 मास बंद रहा निष्पत्ति होता मसकु 2 थर बनकलागी किंतु एवं पुणी मसक नीति बंद रही। रत्नभंडार खोलिबा प्रसंगे तो सबु सीमा टपिच सरकार केड़ेकारी। वर्ष पर वर्ष विभिन्न आड़ देखा रत्नभंडार खोलिबा को एड़ाई आसुछंती। सनातन धर्म और जगन्नाथ संस्कृति सह जड़ित ए सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नहीं संदेह घेर में सरकार भूमिका। राज्य सरकार गोटे स्थानु सरकार गोटे पापी सरकार गोटे धर्मद्रोह सरकार गोटे तिरस्कार योग्य सरकार तेणु आम कि आशा करवा ना ये कमिटी केवल भुआ बुलाई आगामी 5 वर्ष भितर रत्नभंडार खोल ना ये हूँ मोर अनुभूति आगामी दिन स्ट्राटेजी। रत्नभंडार खाली मरामती हम ना रत्न गुड़िक जहाँ अच्छी 78 मसीह जो इनभेन्टोरी होता से इनभेन्टोरी की लिस्ट ताकू मेलक करवाई रत्नभंडार रत्न गुड़िक गणति हम सहीटा जजमेंट आसिले पूर्णांग भाव जानपर कितु
ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏକ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଗଡ଼େଇ ଦେବେ ବୋଲି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଭିତର ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସତର୍କଣୀ ପ୍ରତିମନ୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିଲେନି। ଇଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ନାଟକବାଜି କରିବେନି ବୋଲି କିଛି କହିହେବନି, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସମୟ କହିବ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ନଇଥିଲେ ସରକାର। 70 ଜଣିଆ କମିଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚାବି ହଜିଯିବା ବାହାନା କରିଥିଲେ ସରକାର। ତେବେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାନ୍ଥ ଛାତ ସବୁକିଛି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ 2018 ନେଇ 2023 ଯାଏଁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଭୟ କାହିଁକି? 45 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ରତ୍ନଗଣନା? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଯିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ? ସନାତନ ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର? କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋୟଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।